वेलकम बैक फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका भाई प्रतीक मलिक और अब मैं लेके आया हूं आपके लिए एस्टेट के जो क्वांटिटेटिव और रीजनिंग पार्ट का जो ये पार्ट था जिसमें 10 नंबर का रीजन एप्टीट्यूड था, 10 नंबर की रीजनिंग थी वो पार्ट और हरियाणा जीके थी। तो इसमें से मैं आप भी आपको एप्टीट्यूड और रीजनिंग पार्ट कराऊंगा। इससे पहले मैं मैथ जो आपका आया है लेवल 1 के अंदर एस्टेट लेवल 1 की वीडियो है ये, तो उसका मैथ का 30 नंबर का डाल चुका हूँ। सीडी जो चाइल्ड डेवलपमेंट है वो भी 30 नंबर के डाल चुका हूँ, आप देख सकते हैं वो भी इस वीडियो के बाद में। चलिए आइए समय ना गवाते हुए देखते हैं क्या आंसर हुआ। देखिए जो 61वां क्वेश्चन था बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, इसका आंसर है 26। ठीक है, 62वें क्वेश्चन का हमारा आंसर है 34। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो 63वां है 63वें का आएगा 37, 37 आंसर आएगा हमारा। ठीक है फ्रेंड, सबसे पहले ये होगा उसके बाद ये होगा। तो इसका आंसर आएगा हमारा 37। ये काफी ये सेम क्वेश्चन हमारा कई एग्जाम में पूछा गया। तो इसमें क्या होता है कि पहले जो डिवाइड होता है, अच्छा अगर मान लो अपोन में होता है तो आपको पहले पीछे से करना पड़ता है, लेकिन अब जब डिवाइड का निशान है तो आपको आगे से करना पड़ता है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और भाई अगर कोई गलती हो जाए मेरी बहन भाई को, अगर किसी को लगे ये वाली चीज़ तो प्लीज़ बता देना, छोटा बड़ा भाई समझ के मैं उस चीज़ को ठीक कर लूँगा कि अगर मुझे लगेगा कि हाँ रियल में मिस्टेक हो रखी है, आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी देखते हैं 64 का आंसर है 4, 56। ठीक है, 56 आंसर आएगा, 65, 65 का आंसर आएगा हमारा दूसरा, 46 गलत है। देखिए ये आया कैसे थोड़ा सा बता दूँ। देखो 4 गुना 2 मतलब गुना दो होता जा रहा है और जमा 3 हो रहा है। देखो ध्यान से, गुना दो 8, 8 जमा 3, फिर गुना दो 22, 22 तो यहाँ 53 होना चाहिए था। अगर यहाँ 53 होता ना तो सीक्वेंस हमारा सही बन रहा है। गुना दो 106 और जमा 3, फिर इसी तरह से, तो हमारा 46 आंसर है इसका। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आया है हमारा 66वां क्वेश्चन। 66वां क्वेश्चन का आंसर है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्सटी सेवन, 67 का आंसर है हमारा 3, 36% आएगा। 68, ये फिर क्वेश्चन आ गया। इसके अंदर क्या बनेंगे, इसमें देखो ये 6 बड़ा है, फिर ये इससे कितना बड़ा है 18, फिर ये इससे 24, अब ये इससे सॉरी कितना कितना बड़ा था, 6 बड़ा है, ये 18 बड़ा है, 18 के बाद ये 36 बड़ा है, 36 बड़ा है। और यहाँ से फिर अब हमें जाना है इसके बाद में, अब क्या करेंगे, यहाँ से 12 हो गया भाई, 12 से हमारा यहाँ पे 18 आ गया, तो 18 से एक और सीढ़ी चलेंगे तो हमारा हो जाएगा 24। अब ये 24 जब इसमें जुड़ेगा तो यहाँ से 60 आ जाएगा, और 60 आएगा, एक सेकेंड, हाँ देखिए सही कर रहे हैं। कि अब मैं एक बार थोड़ा सा ये घिचमिच हो गया, दोबारा समझा देता हूँ आपको अच्छे से इसको। 0 6 24 60 120। ठीक है, तो पहली चेन चल रही है हमारी ये देखिए 6 18 36, फिर हमारा 30। अब दूसरी चेन देखिए 12 18 24, यहाँ से आपको पकड़ में आ जाओगे आप जब ये वाली चेन पकड़ोगे ना, तो इससे आगे क्या जाएगा हमारा, इससे आगे जाएगा हमारा 30, ये 60 था। ठीक है, ये 60 है,
ये 30 में, फिर ये जब आगे जाएगा तो ये 90 हो जाएगा, 90 जब इसके आगे जाएगा तो ये 210 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये 210 हो गया। फिर है हमारा 69, 69 का नंबर आंसर है भतीजी। मैं अभी दोबारा क्रॉस चेक कर रहा हूँ कि कभी मुझसे कोई गलती ना हो गई हो, तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तीसरा, अब आए हैं हम 71 पे। 71 पे आ गया हमारा चौथा, सही क्रम है ये। फिर 72 पे आएगा तीसरा, सूर्य, ये सारे ग्रह हैं, ये नहीं है। फिर आएगा 73 पे, देखो अगर आपको यहाँ से तो ये वैसे ही दिखते हैं कि मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये, अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ रखी है, कि ये सूर्य होगा इसका आंसर। अब आए हम 73 पे, 73 का आ गया आपका ई आंसर। चलो आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन रह गया शायद पीछे, हाँ ये रह गया था। इसका आंसर आएगा हमारा दूसरा, 21/17। नीचे से सोल्व करते हैं फिर ऊपर तक जाते हैं। अगला 75, का आंसर आएगा हमारा पहला 50 मीटर पर सेकंड। 76, 76 का आंसर आएगा हमारा तीसरा। 28, 70 का आंसर आएगा पहला। 78 का आंसर भी आएगा पहला, उत्तर आएगा इसका आंसर। सेवेंटी नाइन यानी 79 का आंसर आएगा चार, यानी कि तीसरा। ठीक है, और 80 का आंसर आएगा हमारा चार, टा टा आंसर आ रहा है इसका। तो आपका ये हो चुका है 20 नंबर का। मैंने अपनी तरफ से 80 नंबर का आपको सोल्व करवा दिया, 30 नंबर का हमारा सीडी, 30 नंबर का मैथ और 20 नंबर का ये। तो आपका 80 नंबर का हो चुका है। आगे के पार्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के पास ज़्यादा से ज़्यादा भेजें। और भाई अगर आपको लगता है कि इसमें कोई गलती हुई है तो आप कमेंट में करके हमें बता सकते हैं, हम उसमें पक्का अपने कमेंट में बता देंगे कि वो गलत है या नहीं है। ठीक है, थैंक यू।